नारी शक्ति की एक सशक्त मिसाल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत का एक प्रमुख और मजबूत चेहरा, विधायक से सांसद और केंद्र में मंत्री बनने तक का शानदार सफर। 2012 में राजनीति में कदम रखा और 2014 में पहली बार केंद्र की राजनीति में शामिल हुई। देश की राजनीति में अपनी सशक्त भूमिका निभाई और कई अहम मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी की। नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमृता चौरसिया और आज आपकी मुलाकात अनुप्रिया पटेल जी से। नमस्कार अनुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और 2016 में आपने हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी निभाई, 19 में आपने कॉमर्स मिनिस्ट्री को देखा और अब मोदी कैबिनेट 3.0 में आप दो अहम मंत्रालय जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय। कितनी महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी आपकी और इतनी लंबी राजनीतिक जो आपकी यात्रा रही है, बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हैं हम ये भी कह सकते हैं, इस पूरी यात्रा को, इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं? पहले तो धन्यवाद मुझे संसद टीवी पर आमंत्रित करने के लिए। आभार। सार्वजनिक जीवन में अब मुझे लंबा समय हो गया है, 2010 से अब लगातार मुझे लग रहा है 14 साल के करीब हो गया है और इस दौरान विधायक से सांसद और सांसद से मंत्री तक का सफ़र जो मैंने तय किया, ये सब कुछ जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। उनकी दुआएं, उनका वोट, जिसके कारण इन अलग अलग पदों पर मैं रही। तो मैं ये मानती हूँ कि सार्वजनिक जीवन कठिन भी होता है और एक बहुत बड़ा दायित्व भी होता है। और जहाँ तक दृष्टिकोण की बात है तो मैं कहूंगी कि सार्वजनिक जीवन में जैसे जैसे आपको अलग अलग अनुभव मिलते हैं समय के साथ, तो आपके दृष्टिकोण का विस्तार भी होता है और आपके व्यक्तित्व में एक परिपक्वता भी आती है जी। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग किस्म के अनुभव मिलते रहते हैं और उनसे सीखते रहना चाहिए। मैं अलग अलग पदों पर जब रही तो मैंने देखा कि पदोन्नति के साथ ही जनता की अपेक्षाएँ भी बढ़ती जाती हैं और किसी पद पे पहुंचना तो पहले स्तर की चुनौती होती है, लेकिन किसी पद पर बने रहना या उससे ऊपर जाना ये उससे भी बड़े स्तर की चुनौती होती है। तौर पे। तो इसमें मैं एक फॉर्मूला हमेशा फॉलो करती हूँ जिसे मैं कहती हूँ 4C फॉर्मूला जी। कमिटमेंट, कैपेसिटी, चेंज, क्रिटिसिज्म जी। कमिटमेंट यानी आप समर्पण भाव के साथ अपना काम करते रहिए। कैपेसिटी, आपको अपने कार्य क्षमता बढ़ानी पड़ती है, जैसे जैसे पद बढ़ता है तो लोगों की अपेक्षाएं और बड़ी होती हैं। चेंज के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए क्योंकि सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए वन हैज़ टू बी ओपन टू चेंज। और क्रिटिसिज्म मैंने इसलिए कहा क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आलोचना हमेशा मिलेगी और उससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर मोटी बात यही याद रखनी है कि राजनीति एक बहुत बड़ा माध्यम है अपने जीवन को संवारने का, नहीं जनता के जीवन को संवारने का जी। तो उस फॉर्मूले को याद रख के आगे बढ़ना है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि मैं विधायक रही तो मैंने उत्तर प्रदेश को समग्र रूप से समझा, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, सब जगह की परिस्थितियाँ अलग हैं, चुनौतियाँ अलग हैं। अपने राज्य को भी समझा, राज्य में एक बहुत बड़ा तबका OBC आबादी का है, उसकी क्या समस्याएं हैं उनको भी समझा, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में वो मसले भी उठाए। और सबसे बड़ी बात, मुझे केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने लगातार उनके 3 सरकारों में काम किया है और मैं कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोदी जी के साथ काम करने का अनुभव बहुत अलग है। मेरी तो ये शुरुआत ही थी लेकिन मैंने देखा कि उनका जो प्रो पीपल गवर्नेंस मॉडल है आज पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर है और इतने अभिनव प्रयोग मोदी जी ने किए अपनी सरकार में जिससे हमारे जैसे युवाओं ने बहुत कुछ सीखा। यानी आप मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के ज़रिए फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, आप ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों तक पहुँचना है, यानी लास्ट माइल सैचुरेशन, तो भेदभावपूर्ण रहित हमारा गवर्नेंस मॉडल रहा है। इसके साथ ही होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी पूरी सरकार जो है एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर काम करे, साइलोज में काम ना करे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने
प्रधानमंत्री जी के साथ रहकर सीखी, किसी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करना है, किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करना है तो इनॉग्रेशन भी हमने करना है जी। और अब एक बड़े विजन के साथ हम मूव कर रहे हैं कि 2047 का विकसित भारत बनाना है जी। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा विजन, ड्रीम बिग एंड एक्ट बिगर, ये फॉर्मूला भी हम लोगों को सिखाया है। तो ये मेरे कुछ अनुभव इस सार्वजनिक जीवन की यात्रा में रहे हैं। बहुत शानदार। एक बहुत अहम सवाल है, चूँकि मैं खुद एक महिला हूँ और तमाम वो महिलाएं जो ये समझना चाहती हैं कि एक महिला जिसके ऊपर घर की व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं और राजनीतिक जीवन की चुनौतियां और वो जिम्मेदारियां भी, और आप तो मंत्री हैं, देश की नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी, सामंजस्य कैसे बिठाती हैं? और अगर कोई जानना चाहे कि ये सामंजस्य कभी क्या चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है? सामंजस्य बिठाना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए दोनों ही फ्रंट्स महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार हमारी ताकत होता है, हमारी ऊर्जा होता है, और हमारा कार्यक्षेत्र उसके प्रति भी हमें समर्पण रखना पड़ता है जी। और मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में आने के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि हम एक बहुत बड़े मंच पर जाकर व्यापक स्तर पे जनता के हित के लिए, देश को बदलने के लिए भी कुछ योगदान दे सकते हैं। तो ऐसा अवसर कम लोगों को मिलता है, चुनिंदा लोगों को मिलता है, तो अगर हम उनमें से एक हैं तो क्यों ना हम अपनी कैपेसिटीज़ को स्ट्रेच करें, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रेच करें और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। तो ये कोशिश मैंने भी की कि अपने परिवार का जो मेरा पारिवारिक जीवन है उसके साथ साथ जो मेरा अपना एक सार्वजनिक जीवन है उस पर भी मैं अधिक से अधिक टाइम भी दे सकूं और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकूं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी कैपेसिटी भी, जो मैंने कहा ना मेरा जो 4C का फॉर्मूला है जी, उस पर मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। बिल्कुल, आपके इस 4C के फॉर्मूले से बहुत सी जो आने वाली नस्लें हैं या लोग हैं, युवा हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2012 में की, रोहनिया से आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, उसको जीता भी। राज्य और केंद्र की राजनीति के फ़र्क को किस तरीके से आप महसूस करती हैं, उन जिम्मेदारियों को किस तरीके से, क्या वो अलग है या कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है? देखिए, केंद्र की राजनीति में जब आप आते हैं तो पहले तो आप पूरा राष्ट्र दर्शन कर लेते हैं। यानी जब मैं एक विधायक थी तब मेरा दृष्टिकोण मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों तक सीमित था, या मैंने उत्तर प्रदेश की चुनौतियों को समझा, उत्तर प्रदेश को दुनिया, जो हमारे देश के तमाम राज्य हैं उनकी तुलना में हमें आगे लेकर जाने का क्या हमारा विजन है या क्या हमारा रोड मैप है, या अलग अलग क्षेत्रीय जो चुनौतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हमें कैसे काम करना है, विजन हमारा वहाँ तक सीमित होता है। लेकिन जब आप केंद्रीय राजनीति में आते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले तो आपको राष्ट्र दर्शन हो जाता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी विविधता की बहुत मिसाल दी जाती है, और हमारी जो देश की विविधता है उसमें अलग अलग राज्यों की क्या सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसे समझने का एक बहुत बड़ा आपको केंद्रीय राजनीति में आकर एक अवसर मिलता है। और आपको जब काम करना है तो पूरे देश को ध्यान में रख के काम करना है, तो उसमें मेरा राज्य सिर्फ एक इकाई के रूप में होता है। पूरे देश की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, यानी एक राज्य की प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं लेकिन सबसे ऊपर देश की प्रायोरिटीज़ होती हैं, देश की प्राथमिकताएं होती हैं। तो जब आप केंद्रीय राजनीति में आते हैं तो आपको उन बातों को ध्यान रखना होता है। बट चूँकि मैं अपने गृह राज्य से आती हूँ तो मेरे राज्य की क्या आवश्यकताएँ हैं उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की और राज्य की दोनों की जो आवश्यकताएं हैं उसके बीच में आपको सामंजस्य बिठाना पड़ता है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है और केंद्र की राजनीति में हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि हम देश के हित के लिए काम करें, हम देश को बनाने के लिए काम करें, और उस नज़रिए से, उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए काम करना बहुत सुखद होता है, बहुत आनंद आता है जी। मैम, आपके पास इस वक्त दो अहम मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केमिकल और फर्टिलाइजर, दोनों ही मंत्रालय इस समय देश के महत्वपूर्ण, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करें तो बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया, चाहे हेल्थ के सेक्टर में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में टॉप पर काम कर रही है। अगर सबसे पहले हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें, इस बार बजट में भी 13% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, क्या फोकस है जो बजट बढ़ाया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य जो है वो हमारे सरकार की प्राथमिकता में है, और इसलिए प्राथमिकता जो होती है वो बजट एलोकेशन से कहीं ना कहीं डिफाइन होती है। आप 2014 के पहले जाइए तो हमारा हेल्थ बजट
35,000 करोड़ हुआ करता था जी। आज हम 2024 में खड़े हैं, हमारा बजट एलोकेशन 91,000 करोड़ है और हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो हमारी सरकार 2017 में लेकर आई वो बात करती है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने की। जब हम इन विषयों में को ध्यान में रखकर चलते हैं तो मोटे तौर पर अगर मैं बजट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को हम लगभग 87,650 करोड़ एलोकेट करते हैं और हेल्थ रिसर्च भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जहां 3,300 करोड़ के करीब हमने आवंटित किया है। ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्राइमरी और सेकेंडरी केयर की। नेशनल हेल्थ मिशन ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसमें हम राज्य की सरकारों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। उसके लिए लगभग हमने इस बजट में 4,500 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी प्रकार पीएम जय, आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और उसके दायरे का भी हमें विस्तार करना है तो उसके लिए भी हमने 500 करोड़ आवंटित किए हैं। पीएम अभीम, क्योंकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना बहुत बड़ी आवश्यकता है और कोविड ने हमें इसके प्रति चेताया भी है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए भी हमने लगभग 150,000 करोड़ की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हम टर्शरी हेल्थ केयर में जो हमारे एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड करने का काम करते हैं, या हमने देश भर में जो नए एम्स बनाए, 22 एम्स आज हो गए एम्स देश के अंदर और भी बढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी हमने लगभग 400 करोड़ का आवंटन किया। और इसके साथ ही हमारा जैसे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, एचआईवी एड्स से होने वाली मृत्यु दर को हमें रोकना है तो उसके लिए हमने 400 करोड़ अलग किए। हेल्थ में रिसर्च को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि अब हमारे पास आप देखिए रोज एक नया वायरस है, एमर्जिंग डिजीजेज हैं, एग्जॉटिक डिजीजेज हैं, तो इसके लिए रिसर्च इनोवेशन ये भी मेडिकल साइंसेस में बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए भी हमने 400 करोड़ रखे। तो इस प्रकार से हमने अपनी प्राथमिकताओं को तय किया है और बजट को बहुत बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हेल्थ का कोई भी हमारा पिलर अनदेखा ना रह जाए। बिल्कुल मैम, आपने आयुष्मान भारत की बात की, आपने नेशनल हेल्थ मिशन की बात की, रिसर्च पे कितना काम हो रहा है, एलोकेशन सारी बातें की। आप ये मानती हैं कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कोविड में जो थोड़ी परेशानियाँ आई हालांकि भारत बहुत मजबूती के साथ उसे टैकल करके उभरा और विदेशों तक को सहायता पहुंचाई, लेकिन क्या आप ये मानती हैं खासकर ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ इंफ्रा पे अभी और काम करने की ज़रूरत है और वो आपकी सरकार कैसे सुनिश्चित कर रही है खासकर रिमोट एरियाज़ में? देखिए, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर सुदृढ़ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी भी देश की अधिक आबादी ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। हम जब आयुष्मान भारत योजना लेकर आए तो इसमें हमने हमारा एक कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का था, आज हम उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं। यानी सबसे पहले एक ग्रामीण व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य के किसी सर्विस के लिए जाना है तो उसके लिए सबसे पहली इकाई होती है एक सब हेल्थ सेंटर। तो हमने अपने सब हेल्थ सेंटर और ये PHCs इनको कहीं मिला के अब देखिए तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया। वहाँ पर हमने बुनियादी स्तर पर एक 13 सर्विसेज का पैकेज डिफाइन किया है, यानी उसमें जेरियाट्रिक केयर भी है, तो मेंटल हेल्थ केयर भी है, तो ओरल हेल्थ केयर भी है, तो NCD की स्क्रीनिंग भी है। यानी NCD स्क्रीनिंग में मैं कहूँ तो हमारी कैंसर की कॉमन कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, इसकी स्क्रीनिंग भी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। तो ये 12-13 सर्विसेज का जो पैकेज है ये हम इनको गाँव के स्तर पर ही देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मैंने अभी आपसे पीएम अभीम की चर्चा की, ये हेल्थ प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसके तहत हमारी यही कोशिश है कि डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हैं, इनको भी हम कैसे इसमें इजाफा कर सकें ताकि भविष्य में कभी ऐसी कोई पैंडमिक आए तो जिस तरीके की परिस्थितियों का हमने सामना किया वैसी परिस्थितियाँ दोबारा विकसित ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से आप देखिए कि देश भर में हमने नए एम्स बनाए, हमने नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए, कभी हमारे पास 350 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, 10 साल में बढ़ाकर हमने डबल कर दिए, 750 मेडिकल कॉलेजेस कर दिए। एम्स कभी हमारे पास 6 हुआ करते थे, हमने बढ़ाकर 22 कर दिए। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो काम हो ही रहा है, देश भर में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, टर्शरी हेल्थ केयर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की सुविधाओं में कैसे विस्तार हो और साथ ही क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन कैसे बढ़े, ये सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं।
मैम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, इस बार बजट में स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, हमने देखा है कि एम्स खुले हैं लेकिन कहीं ना कहीं कैपेबल डॉक्टर्स की या फिर कैपेसिटी की जो हम बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि अभी और ज़रूरत है, तो उस दिशा में क्या काम हो रहा है, क्योंकि उन एम्स में दिल्ली एम्स जैसे सक्षम डॉक्टर हों, डॉक्टर्स की संख्या बढ़े और उनकी क्वालिटी या उनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ सके, उसके लिए क्या काम हो रहा है? देखिए, भारत की राजधानी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सबसे पुराना है और सबसे बड़ी संस्था है, तो निश्चित रूप से इतने सालों से एक संस्था काम कर रही है तो उस संस्था की एक जो रेप्यूटेशन बनी है इतने सालों के अच्छे हेल्थ सर्विसेज के कारण बनी है, एंड इट नीड्स ईयर्स टू बिल्ड अप एन इंस्टीट्यूशन एंड बिल्ड अप द प्रेस्टीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो निश्चित रूप से देश के कोने कोने से लोग एम्स न्यू दिल्ली में आते रहे हैं तो उनका भरोसा भी न्यू दिल्ली में है, लेकिन हमारी सरकार ने ये सोचा कि अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु में रहता है तो उसे चल के दिल्ली तक क्यों आना पड़े, अगर कोई व्यक्ति कर्नाटका में रहता है, नॉर्थ ईस्ट में रहता है, बिहार में रहता है, उसे चलकर दिल्ली तक क्यों आना पड़े। तो इसलिए हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का विस्तार किया, हमारे 22 जो नए एम्स हमने बनाए अधिकतर फंक्शनल हो चुके हैं, कुछ अभी ऑपरेशनल हैं, कुछ अभी प्रोसेस में हैं, उनका काम चल रहा है। इन सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स को एम्स न्यू दिल्ली के स्तर पे आने में कुछ समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स में जो फैसिलिटीज़ होंगी, जो डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट की सर्विसेज होंगी, उनका स्टैंडर्ड एक ही रहेगा और थोड़ा समय ज़रूर इन व्यवस्थाओं को बनाने में, ये नेचुरल सी बात है, लगता है, लग भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके और अब लोगों ने उनके अपने राज्यों में जो एम्स बने हैं उनकी तरफ मूवमेंट करना भी शुरू कर दिया है, तो ये विश्वास जो होता है ये धीरे धीरे बनता है, जब समान स्तर की सुविधाएं मिलेंगी तो लोगों का जो न्यू दिल्ली की तरफ एक आना है वो भी कम होगा और राज्यों में ही उन्हें अपनी राज्य में ही वो सुविधाएं मिलने लगी हैं, तो इससे उन्हें जीवन में कठिनाई में भी थोड़ी कमी और सरलता महसूस होगी। जी, गैर संक्रामक बीमारियों की आपने बात की, एनसीडीज की, भारत में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये प्रकोप बढ़ा है, तो इसको टैकल करने के लिए मंत्रालय की क्या कुछ स्पेसिफिक योजनाएं हैं? देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं सही मायने में आज चिंता का सबब बन चुकी हैं। हमने इस संबंध में एक सर्वे भी किया था और उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगी, जैसे तंबाकू का सेवन ज़्यादा है या शराब का सेवन ज़्यादा है या आजकल के हमारे समय में जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या हमारी अनहेल्दी डाइट है, हम फ्रेश लोकली अवेलेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब नहीं खाते, हम पैकेज्ड खाना चाहते हैं, हम जंक खाना चाहते हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सुनने में लगेंगे बड़े मामूली हैं लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए मंत्रालय सबसे पहले ज़रूरी मानता है कि हम अवेयरनेस जनरेशन करें और अवेयरनेस के लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमने हर ज़िले में एनसीडी क्लिनिक्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बनाए हुए हैं, हमने डे केयर सेंटर्स बनाए हैं, कार्डियक केयर यूनिट्स बनाए हैं, ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं इनके माध्यम से एक तो हम व्यापक स्तर पर अवेयरनेस जनरेशन आम जनता के बीच में कह रहे हैं कि एनसीडी से अपने आप को कैसे बचा के रखना है। इसके अलावा हमारे मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI है, वो भी कोशिश कर रहा है अलग अलग अभियान चलाने की, जैसे ईट राइट इंडिया एक मूवमेंट चलाते हैं या आज से थोड़ा कम, थोड़ा नमक कम, थोड़ा चीनी कम, थोड़ा तेल कम, हम लोगों को अवेयर करते हैं कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करें। श्री अन्न भी है उसमें, श्री अन्न भी है, मिलेट्स का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमको हेल्दी रखने में। और इसी प्रकार हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया कि भाई कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो एक अवेयरनेस जनरेशन तो हम कर ही रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ हम अपने मैन पावर को भी डेवलप कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में भी बताया, यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी जो 30 साल से अधिक उम्र के हमारे जनता है उनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं फॉर एनसीडीज़, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कॉमन कैंसर्स हैं। और ये सारे प्रयासों से हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि एक तो हम प्रिवेंशन कर सकें और अगर प्रिवेंशन नहीं है, समस्या आ गई है, तो अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली डायग्नोसिस होगा तो मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, रेफरल सब कुछ समय से होगा जी। और ये सारे जो हमारे समग्र प्रयास हैं, अभी आपने देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगी कैंसर का, अभी बजट आया
तो तीन हमारी कैंसर ड्रग्स थी जिनको बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिला जी। इसके अलावा भी एनपीपीए ने लगभग 131 हमारी कैंसर ड्रग्स हैं जिन पर एक सीलिंग प्राइस फिक्स किया हुआ है। तो ऐसे तमाम प्रयास हैं जो मंत्रालय लगातार कर रहा है जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है उसको हम कम कर सकें। बिल्कुल मैम, एनसीडीज पे जो आपकी बातें सुन रही थी तो मुझे लगा मैं मिनिस्टर अनुप्रिया से नहीं डॉक्टर अनुप्रिया से बात कर रही हूँ। मैम आपने दवाइयों की उसकी भी बात की, उसके प्राइस की भी बात की, तो सस्ती और सुलभ दवाइयों की जो उपलब्धता है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी जो जो जेनेरिक दवाइयां हैं उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, इस दिशा में जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं उनकी उपलब्धियाँ किस तरीके से हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सफलतापूर्वक वो पूरे देश में चल रहा है और लोगों को बहुत उससे लाभ हुआ है। देखिए, जन औषधि केंद्र सरकार की एक बहुत मैं कहूँगी एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसमें बहुत बड़ा जनहित छिपा हुआ है, क्योंकि आम जनता को कम दरों पर दवाएं मिले और उच्च गुणवत्ता की मिले, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों फैक्टर्स हो, इसके लिए हम ये योजना लेकर आए। अब इस योजना पर हमने कितने व्यापक स्तर पर काम किया, किस इंटेंसिटी और पैशन के साथ काम किया, ये मैं आपको कुछ आंकड़ों से बताऊँगी। 2014 से पहले हमारे देश में जन औषधि केंद्र कितने होते थे, मात्र 80। आज की तारीख में टिल डेट 13,000, 80 से 13,000 और 13,000 से बढ़कर जाना है हमें 25,000, यानी इतने जन औषधि केंद्र हमने देश के कोने कोने में 13,000 खोल दिए, 25,000 खोलने हैं। और जो बात मैंने आपसे कही कि इसमें हमारे जो कीमत कम का जो फैक्टर है, कीमत कम का फैक्टर ये है कि 50-90% तक जो बाजार मूल्य है उससे कम दाम में हमारी दवाइयाँ मिलती हैं। 2047 दवाएँ और 300 के करीब सर्जिकल इक्विपमेंट्स और अन्य उत्पाद जैसे सुविधा सैनिटरी नैपकिन जो 1 रुपए में मिलता है, ये सब कुछ आज जन औषधि केंद्रों पे मिल रहा है। और जनता की अगर मैं 10 सालों की मोदी सरकार की बात करूँ तो जन औषधि केंद्रों से जो जेनेरिक दवाइयाँ ली उससे 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, तो जन औषधि केंद्रों की यात्रा हमारी बहुत सुंदर रही है। और क्वालिटी का जो फैक्टर है उसको भी मैं बताना चाहूंगी। उसे इंश्योर करने के लिए हम दो बातें करते हैं, दो काम करते हैं। एक तो हम WHO GMP सर्टिफाइड जो फार्मा कंपनीज होती हैं केवल उनसे ही दवाएं सोर्स करते हैं, और उनसे सोर्स करने के बाद भी हम NABL अक्रेडिटेड लेबोरेटरी से इन दवाइयों की क्वालिटी टेस्टिंग कराते हैं, यानी क्वालिटी प्राइस, क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी, दोनों फैक्टर्स को हमने इंश्योर किया है। और एक्सेसिबिलिटी, लोगों के लिए ये उपलब्ध भी हो तो हमने उसकी संख्या भी बढ़ाई है। जी बिल्कुल मैम, अब थोड़ा सा आपके दूसरे मंत्रालय की ओर भी आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से देखें तो देश बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आयातित जो दवाएं हैं उस पर हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए फिलहाल किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल्स में हम बेहतर कर रहे हैं लेकिन आगे और क्या प्लानिंग? देखिए, फार्मास्यूटिकल्स की जब आपने बात की तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एक्चुअली द प्राइड ऑफ द नेशन, इट्स बूमिंग टुडे बिकॉज हमको आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और आज हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $65 बिलियन की है, तो 2030 तक $130 बिलियन की हो जाएगी। वॉल्यूम के टर्म्स में हम देखें तो थर्ड लार्जेस्ट है, वैल्यू के टर्म्स में देखें तो दुनिया में 14th लार्जेस्ट है, और 200 से ज़्यादा अधिक देशों में हम फार्मास्यूटिकल्स यानी भारत में बनी हुई दवाएं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे सामने चुनौती क्या है, इतने सारे जो हमारे उस पर ये लगे हुए हैं स्टार्स, उसके बीच में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो हमें की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स या APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हमें दूसरे देशों से लाने पड़ते हैं। यानी कि अगर कहीं भी कोविड ने हमें सिखाया ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन कितनी भयानक चीज होती है, यानी अगर ऐसी परिस्थिति विकसित हुई तो हमारी इंडस्ट्री पर क्या असर होगा और देश की और दुनिया की सेहत पे क्या असर होगा, जो हम इतना सप्लाई कर रहे हैं, यानी हम लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर सप्लायर हैं, 60% दुनिया की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं, WHO को 70% प्रोक्योरमेंट हमसे करता है, तो क्या असर होगा। इसलिए भारत की सरकार ने इस विषय को पूरी गंभीरता से लिया और हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आए। पहला स्कीम फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें 14 सेक्टर्स हमारे सनराइज सेक्टर्स कवर्ड है, फार्मा इज वन ऑफ देम।
उसमें हम पीएलआई स्कीम लेकर आए अपने केएसएम डीआई और एपीआईज के लिए, और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हमने 33 ऐसे रॉ मटेरियल्स आइडेंटिफाई किए कि जिनको हमें अपने देश में बनाने की ज़रूरत है। 48 प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आए, यानी 48 फार्मा कंपनीज आगे आई, 32 प्रोजेक्ट्स हमारे अप्रूव हो गए। और आप सोचिए कि मैं आपको दो उदाहरण दूंगी, जैसे पेनिसिलिन का या एक क्लोवेनिलिक एसिड होता है, ये अब हमारे देश में बनने लगा है, ये पहले हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। तो ये पीएलआई स्कीम के कारण हमें बहुत इम्पोर्ट पे जो डिपेंडेंस है वो हमारी कम हो रही है। हम इसके साथ ही 3 बल्क ड्रग पार्क्स भी बना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में और एक और आंध्र प्रदेश में, तो उसमें भी 600 के करीब यूनिट्स हमारी खड़ी हो जाएंगी, ये हमारा अनुमानित है। तो आप सोचिए कि ये जो हमारी रॉ मटेरियल्स फार्मा कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, इस पे इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाने का पूरा प्लान इन एक्शन है, और काफ़ी हद तक आने वाले समय में इसको हम कम कर पाएंगे। मैम, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जब हम कृषि की बात करते हैं तो उर्वरक की भी बात करते हैं, और हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की भी बात करते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उस दिशा में भारत की जो नई कोशिशें हैं वो क्या हैं, और उस बारे में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या और इनोवेशंस हैं उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? सस्टेनेबिलिटी, आज पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मिट्टी की सेहत को बचाना ज़रूरी है, और इसके लिए भारत सरकार ने तमाम प्रयोग किए हैं, क्योंकि मिट्टी की सेहत बनी रहेगी तो व्यक्ति की, इंसान की सेहत भी बनी रहेगी। सबसे पहले तो हमारे पास जो लगभग 70 कंप्रेस्ड बायोगैस गैस प्लांट्स हैं, जिनके पास ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो उनके लिए वेस्ट है लेकिन फार्मर्स के लिए वेल्थ है। इसे हम FOM, LFOM और PROM कहते हैं, यानी हमारा फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, और इसके अलावा हमारा फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये उनके लिए वेस्ट है लेकिन फार्मर्स के लिए वेल्थ है। तो हमने इन सारे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का, जो 17 नंबर हैं, उनका 32 MOUs कराए हैं 6 फर्टिलाइजर कंपनीज से, और वो उसको खरीदती हैं। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस हमारी स्कीम है, हमारे मंत्रालय की, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स की, उसके तहत इसे खरीद के फार्मर्स को उपलब्ध कराती हैं, सरकार इसे सब्सिडाइज करती है। तो एक तो ये प्रयोग है कि ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर किसानों को मिल रहा है, इसमें कार्बन कंटेंट हाई होता है, तो हमारी जो मिट्टी की सेहत है वो बरकरार रहे, और ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उस पर एक रोक लगे जी। इसके साथ ही आपने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में भी सुना है, ये भी हमारी एक कोशिश है कि हमें बैलेंस्ड और जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को हमें थोड़ा सा रोक लगाना है, और इनके कई फायदे हैं, बेटर अब्सॉर्प्शन है। आप देखिए, एक छोटी सी बॉटल में आता है, एक बड़ा 45 किलो का यूरिया का बैग काफ़ी बड़ा होता है, पोर्टेबिलिटी के, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होते हैं, और बेहतर अब्सॉर्प्शन है, वेस्टेज कम है, क्रॉप यील्ड बेटर है। तो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के अडॉप्शन के लिए भी हम किसानों के बीच में जागरूकता कर रहे हैं, और इस समय तो हमारा एक महाअभियान चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग करें, और धीरे धीरे करके इसमें किसान हमारे आगे भी आ रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम योजना मिट्टी की सेहत को अपने दिल में रख के और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को दिल में रख के हम लेकर आए हैं। इसमें जो भी राज्य सरकारें केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज को लिमिट कर रही हैं, और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के, बायो फर्टिलाइजर्स के यूज को बढ़ावा दे रही हैं, जो भी सब्सिडी इसमें सेविंग्स हो रही हैं उसका 50% हम ग्रांट के रूप में राज्य सरकारों को देते हैं, ताकि उनको एक एनकरेजमेंट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की सेहत को बचाने के अपने प्रयास को जारी रखें। बिल्कुल अनुप्रिया जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपके इस जिस तरह की कोशिशें हैं और आपका जितना डेडिकेशन है, दोनों मंत्रालयों पर बहुत ऊंचाइयां और इन दोनों ही मंत्रालयों को मिलेंगी। आप महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण मानी जाती हैं, और देश के सबसे बड़े सूबे से आती हैं, एक बड़ा चेहरा अनुप्रिया पटेल। इस बार बजट में भी वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की गई है, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, कितना आप ज़रूरी मानती हैं कि अगर देश की पॉलिसी मेकिंग हो रही है, डिसाइड किया जा रहा है, तो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व, राजनीति में महिलाओं की भूमिका, वुमेन एंड डेवलपमेंट के इस अप्रोच को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि
democracy is a true democracy and a real democracy only when women's voices are heard and women participate in the top level decision making. Otherwise democracy puri nahi hoti. हमारी सरकार के नजरिए और पूर्ववर्ती सरकारों के दृष्टिकोण में अंतर यही है कि पूर्ववर्ती सरकारें विमेन्स डेवलपमेंट की बात करती आई हैं और हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है, यानी हमें महिलाओं के क्षमता में, प्रतिभा में, योग्यता में पूरा विश्वास है और हम ये मानते हैं दैट विमेन आर नॉट गोइंग टू बी द पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट. Women will lead the development of the country, they will shape the destiny of the country, और वो आगे बढ़ के काम करेंगी. और इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ. जब हम कहते हैं कि हम कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कृषि के परिदृश्य को बदलना चाहते हैं तो महिलाएं बैठ के देखेंगी नहीं, महिलाएं उस चेंज को आगे बढ़ के उस चेंज मैं अपनी योगदान देंगी. कैसे? उनकी भूमिका, हम उन्हें ड्रोन पायलट बना रहे हैं. बिल्कुल. यानी अगर कृषि के परिदृश्य को बदलना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो वो टेक्नोलॉजी महिलाओं के माध्यम महिलाओं के हाथों में होगी और महिलाएं ड्रोन पायलट बन के ड्रोन उड़ाएंगी. तो ये विमेन लेड डेवलपमेंट है. वी आर गोइंग टू बी द चेंज मेकर्स. हम सिर्फ बैठ के हाँ भाई देश विकसित हो गया, विकसित भारत बन गया, हमें भी कुछ मिला, वैसा नहीं होने वाला. लखपति दीदी भी जो है, लखपति दीदी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है. तो महिलाओं के, मैंने फिर वही बात कही कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसमें हमारा भरोसा है और इसलिए हम ये मानते हैं कि आधी आबादी को आधा कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना है. 2047 का विकसित भारत महिलाओं के आधे परिश्रम से बनेगा और योगदान से बनेगा. क्या बात है अनुप्रा जी, मजा आ गया आपसे बातचीत करके और एक उत्साह भी, एक महिला होने के नाते मेरा भी बहुत आगे बढ़ा. और बहुत सारी शुभकामनाएं. 2 अहम मंत्रालय हैं आपके पास और राजनीतिक जो आपका सफर रहा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है. सवाल बहुत सारे थे लेकिन समय उसकी इजाज़त नहीं देता. आपने इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आप देख रहे थे संवाद में आपकी अपनी महिला सशक्तिकरण की, जिनको हम एक मिसाल कह रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी से खास बातचीत. फिलहाल सेंसर टीवी में इतना ही. इस कार्यक्रम को आप सेंसर टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं. नमस्कार.